राम राम दोस्तों, स्वागत है संकल्प के सीईटी चैनल में आप सभी का। आज का जो हमारा प्रश्न है, देखिए एक बार। अच्छा, उससे पहले थोड़ी एक छोटी सी सूचना सुनिए। ऑफलाइन के बैच 19 मार्च से प्रारंभ है सीईटी के लिए प्लस टू एंड ग्रेजुएशन। महा ऑफर चल रहा है होली के अवसर पर, फायदा जरूर उठाइएगा इसका। ये ऑफलाइन बैच के अंदर है, यदि ऑफलाइन आना चाहते हैं तो हम, और ये ऑनलाइन बैच के अंदर रहेगा और उसमें भी डिस्काउंट चल रहा है भाई, होली के अवसर पर है ये सब कुछ। इसके अलावा ये ऑनलाइन है और ये मार्केट के अंदर बुक भी है सीईटी की, क्लियर। और सारी प्राथमिकता इसके अंतर्गत लिखी हुई है कि कौन कौन से टॉपिकों की किताबों की जो टॉपिक वाइज जो है उनके बारे में भाई, क्लियर। इसके अलावा देखिए आज का जो हमारा प्रश्न है उसके ऊपर गौर कीजिए भाई। सीईटी के अंदर पिछले वर्ष आया हुआ प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है उनके संबंध में 5 नंबर प्रश्न है। इससे पहले 4 प्रश्न हो चुके हैं तो उनको भी आप लगाने का प्रयास कीजिए भाई, क्योंकि वो प्रश्न भी लगाओगे तो वो भी तो इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम सीईटी का एग्जाम देंगे तो उनमें खूब सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो आज का जो प्रश्न दिया गया है उस पर गौर कीजिए भाई, जल्दी से कमेंट में अपना आंसर दीजिए पहले कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। प्रश्न की लैंग्वेज ये है, शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है, तो संकरी पट्टी को किस नाम से जानते हैं? भाबर के नाम से, तराई के नाम से, बांगर के नाम से या कांकर के नाम से? देखिए बड़ा इजी प्रश्न था, उत्तर भारत के विशाल मैदान से संबंधित यह प्रश्न दिया गया था। तो इसका जो राइट एग्जैक्ट आंसर जो है, वो तो ये रहने वाला है भाई, भाबर जो है इसी को कंकरीली मिट्टी को कहा जाता है। इसकी दो अन्य खास बातें और भी ध्यान रखना, और मैं इसमें ये चीज ध्यान रखना, भाबर, अब यहां तो ये तो लिखा हुआ है शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है, तो उसको तो भाबर कहते हैं। भाबर में छोटी नदियां, ये बात भी ध्यान रखिए, भाबर में छोटी नदियां विलुप्त हो जाती है, इस बात को भी ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कौन से नदियां जो है भाबर में विलुप्त हो जाती है, या ऐसे कौन सी सलाह करती है जिसमें नदियां विलुप्त हो जाती है, तो भाबर ही सलाह करती है उसमें नदियां, छोटी नदियां विलुप्त हो जाती है। और जैसे बड़ी नदियां, जैसे मैं ये बोल सकता हूं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, व सिंधु, जैसी बड़ी नदियां, बड़ी नदियों का पानी कुछ समय तक अदृश्य हो जाता है, अर्थात दिखाई नहीं देता, यदि प्रश्न आ रहा है कि भाबर में कौन सी नदियों का पानी दिखाई नहीं देता, तो आंसर देंगे कि बड़ी नदियों का पानी भाबर में दिखाई नहीं देता भाई। और इनका पानी आगे वाला जो क्षेत्र आगे एक और दिया हुआ है तराई, तो तराई क्या होता है, भाबर के दक्षिण में, इस बात को भी ध्यान रखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है, भाबर के दक्षिण में, दलदली नुमा भाग, दलदल वाला जो भाग है उसे तराई कहा जाता है। भाबर के दक्षिण में दलदली नुमा भाग को तराई कहा गया है, अच्छा यहां इस चीज को ध्यान में रखोगे, आप नोट में लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये बात, देखिए इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, जो नदियां भाबर में अदृश्य हुई, वही नदियां, धरातल पर, पुनः प्रकट होती है, अर्थात नदियों का पानी दिखाई देना शुरू होता है,
अर्थात नदियों का पानी दिखाई देता है, दिखाई देता है। उत्तरातल पर नदियों का पानी पुनः दिखाई कहां देता है? तो तराई वाला, तराई एक क्षेत्र कैसा है? तो तराई एक दलदली नुमा भाग है जो भाबर के दक्षिण में बनता है। तो भाबर क्या है? भाबर जो है वो कंकरीली मिट्टी है, छोटे छोटे बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जमाव है शिवालिक हिमालय की। इसके अलावा और भी कुछ खास जानकारियां देखिए भाई, ये सारी जो बातें आप लोग पढ़ रहे हो उत्तर भारत के विशाल मैदान से संबंधित है। उत्तर भारत के विशाल मैदान से, उत्तर भारत के विशाल मैदान से संबंधित है। तो और अन्य खास जानकारियां और बता देता हूं मैं आप लोगों को। उत्तर भारत के विशाल मैदान में एक तो आपने भाबर कवर किया। भाबर क्या है? विशाल कंकड़ पत्थरों का जमाव है, विशाल कंकड़ पत्थरों का जमाव, याद कर लीजिए इसको, विशाल कंकड़ पत्थरों का जमाव। कहां पर? तो आंसर छोड़ देंगे शिवालिक के ढाल के समांतर, शिवालिक के समांतर, क्लियर। उसके बाद में तराई, तराई क्या है? भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में दलदली नुमा भाग, दलदली नुमा भाग तराई कहलाता है। इसके अलावा देखिए खादर, खादर नवीन जलोढ़क मृदा, नवीन जलोढ़क मृदा को खादर कहा जाता है। बांगर, बांगर पुरानी जलोढ़क मृदा को बांगर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़क मृदा बांगर कहलाती है। भूड़, बांगर में पाए जाने वाले छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर क्या कहलाता है? भूड, रे, कल्लर या उसर। बांगर व भूड पर, बांगर व भूड पर सफेद नमकीन परत का जमाव, सफेद नमकीन परत का जमाव क्या कहलाता है? तो रेक कलर कहलाता है भाई। ये सारी जानकारियां उत्तर भारत के विशाल मैदान से संबंधित है जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछी जाती है भाई। इसके अलावा दुआब, दुआब दो नदियों के बीच का भाग, दो नदियों के बीच का भाग, बीच का भाग दुआब कहलाता है, दो नदियों के बीच का भाग। बेट, पंजाब हरियाणा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, पंजाब हरियाणा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बेट कहलाता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बेट कहलाता है। और वहीं बिल पश्चिमी बंगाल में निम्न भूमि को मतलब नीचे वाली जो भूमि होती है उसे बिल कहा जाता है। चर पश्चिमी बंगाल में बिल का ऊपरी भाग चर कहलाता है। तो ये कुछ शब्दावली जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। भाबर, तराई, खादर, बांगर, भूड, रेकलर, दुआब, बेट, बिल, चर और भी बहुत सारी खास जानकारियां हैं। ये आगे कहीं ना कहीं आपको ऐसे 2-3 प्रश्न मिलेंगे, उसमें भी आपको वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया था शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है, तो उसको तो भाबर कहते हैं। भाबर में छोटी नदियां विलुप्त हो जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी बड़ी नदियों का पानी कुछ समय तक अदृश्य हो जाता है, अर्थात पानी दिखाई नहीं देता। तो भाबर में तराई, भाबर के दक्षिण में दलदली नुमा भाग तराई कहलाता है, जहां जो नदियां भाबर में अदृश्य हुई,
बाबल में अदृश्य हुई वही नदियां धरातल पर पुनः प्रकट होती है, अर्थात नदियों का पानी दिखाई देता है धरातल पर तराई वाले क्षेत्र में। तो तराई एक दलदली नुमा भाग है, खादर नवीन जलोदक मृदा का भाग है, बांगर पुरानी जलोदक मृदा का भाग है, भूर भूड बांगर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव, रे या कल्लर या उसर बांगर या भूड पर सफेद नमकीन परत का जमाव, दुआब दो नदियों के बीच का भाग, बेट पंजाब हरियाणा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, मिल पश्चिम बंगाल में निम्न भूमि को, चर पश्चिम बंगाल में बिल का ऊपरी भाग चर कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।